पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत तुहाडे नाल मैं रुचि यादव ते ग्राउंड रिपोर्ट च इस बार गल होएगी स्कैम 214 दी। करीब करीब एक दहाके पहला पंजाब तो मुल्क भर के बाशिंदियां दे नाल होई एक जालसाजी लखां करोड़ों का नहीं बल्कि हजारा करोड़ों का स्कैम पल्स ग्रुप चिट फंड घोटाला जिसनों लैके हुण इंसाफ की उम्मीद बजी है। गल करांगे उस घोटाले की जिसनों लैके हुण पंजाब सरकार ने पल ग्रुप दियां जायदादां की रैड एंट्री वाला आरा चलाया ते अज ग्राउंड रिपोर्ट की साडी खास पेशकश विच विखावांगे। ग्राउंड ते सीएम भगवंत मान दे वल्लों दित्ते हुक्मां तो बाद इसका की असर वेखण नूं मिलिया, वेखो साडी खास रिपोर्ट। पर्ल्स ग्रुप घोटाले का कौन साजिशकार किथे किथे जुड़े पर्ल्स ग्रुप घोटाले दे तार घोटाला जिसते 5 करोड़ तो भी वध लोग होए शिकार कि रेड एंट्री दवाएगी पीड़ितों नूं इंसाफ ता टीवी स्क्रीन ते नजर आ रही है कोई मामूली संख्या जा मामूली नंबर नहीं, ए रकम है उस घोटाले दी जिसने पंजाब तो लेके मुल्क भर नूं सोची पा दिता कि वाकई इंज भी चालसाजी हुंदी है। रकम इन्नी वड्डी कि सिफर गिनना भी मुश्किल, सिफर इन्ने कि अंदाजा लाउणा भी मुश्किल। जी हाँ, चलो सस्पेंस खत्म करदे हैं। रकम है 50,000 करोड़ रुपए। ये उस घोटाले की रकम है जिसने हसते वसते पंजाब अते पंजाब वासियों तो लैके मुल्क भर के कमाई के लालच आए बाशिंदियां दे खून पसीने दे नाल कमाया पैसा चंद मिनटा सकिंटा च चालसाजी च गुम कर दिता अते करीब दहाकियां तो पीड़ित इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं अते अपने पैसे की वापसी लई दर दर ठोकरा खा रहे हैं। रकम उस घोटाले की है जिसने सिर्फ पंजाब की नहीं मुल्क भर के निवेशकों यानी कि इन्वेस्टरों के सपनों को धार धार किया। जी हाँ, करीब दहाके पुराना स्कैम यानी कि पर्ल्स ग्रुप चिट फंड घोटाला जिसकी फाइलां अदालती तकरीरां ते जांच पड़तालों दे इधर उधर होंदी रही पर मिलिया की मिलिया कुछ नहीं अते स्कैम का शिकार होए पीड़ित सिर्फ ते सिर्फ इंतजार करते रहे अते सवाल खड़े करते रहे। सवाल ये कि 50,000 करोड़ के घोटाले का कौन साजिशकार, सवाल ये किथे किथे जुड़े सी पर्ल्स ग्रुप घोटाले दे तार, पर सब तो वड्डा सवाल ये कि रेड एंट्री दवाएगी पीड़ितों नूं इंसाफ। तमाम इस सवालों के जवाब मिलेंगे तुहाडे सिर्फ अद्धे घंटे की साडी खास ग्राउंड रिपोर्ट स्कैम 2014। अज की ग्राउंड रिपोर्ट में असं गल करांगे पर्ल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा लोगों नाल चिट फंड घोटाले में की गई धोखाधड़ी की, क्योंकि धोखाधड़ी एडी है कि हज़ारों लोगों नाल लखां लोगों नाल करोड़ों रुपए की ठगी की गई हैगी है। तो पूरे देश की गल करिए, पंजाब की गल करिए, तो मुख्यमंत्री जिहड़े भगवंत मान ने कहिंदे ने कि पंजाब के लखां लोगों नाल 50,000 करोड़ तो भी ज़्यादा दा जिहड़ी हैगी है ठगी की गई है। तो उन्होंने सरकार बनने तो बाद स्पष्ट निर्देश दिए ने कि जिन्नियां भी पर्ल कंपनी दी जमीनां ने वो सारिया की रेवन्यू रिकॉर्ड के जी है रैड एंट्री की जाए, मतलब कि रेवन्यू रिकॉर्ड के लाल लकीर खिंच दी जाए उन्होंने जमीनों के रिकॉर्ड के कि कोई भी जमीन में बेच ना सके खरीद ना सके। अगर कोई खरीदता है तो वह पता चल जाए उन्होंने कि यह जमीन जी हैगी है ये सही नहीं हैगी, रेड एंट्री वाली जमीन है, ये विवादित जमीन हैगी है और ना ही कोई प्रोजेक्ट पास हो सकता है। और जो कोई प्रोजेक्ट पास करने की कोशिश करेगा या जाली तरीके नाल या किसी भ्रष्टाचार के नाल तां भी जिहड़ा है प्रोजेक्ट पास नहीं होगा, अगे जाके बड़े अफसर उन्हें रोक देंगे। तो इस कवायत को जिहड़ा है जून महीने में शुरू किया गया, तो मुख्यमंत्री कहते कि जिन्नियां जमीनां ने पंजाब दे विच सारियां जमीनां असीं रेड एंट्री करके लोढ़ा कमीशन जिहड़े जस्टिस एच एल लोढ़ा ने उन्होंने कमीशन नूं देवांगे जिहड़ा कि सुप्रीम कोर्ट वालों 2014 बनाया गया सीगा। लोढ़ा कमीशन और सैबी जिहड़ी आपस मिलकर जिहड़ी जमीनां नूं बेचणगे ते बेच के जिहड़ियां हैगे ने उह लोकां दे पैसे देणगे जिन्हां नाल चिट फंड ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰਲਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਰਲਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਆਦਿ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
होणगे। इहजे बोर्ड पूरे पंजाब दे जमीनां विच लगाए गए हैं। तो कल्ले मोहाली शहर की गल करिए मोहाली शहर के ही तकरीबन मोहाली जिले के शहर के नाल मोहाली जिले के 500 के आस पास जिहड़े बोर्ड ने यह लगाए गए हैं जमीनों के उपर 500 जमीनों के उपर रैड एंट्री कर दिती गई है। तो साडे सहयोगी मनोज जोशी ने जिवें दस्या कि पर्ल्स ग्रुप चिटफंड घोटाले नूं लैके हुण पंजाब सरकार ने आरा चलाना शुरू कर दिता है, पर आखिरकार सरकार ने एक्शन की लिया, एक्शन क्यों लिया, ये तो सवाल है ही, पर सब तो वड्डा सवाल तुहाडे ज़हन च होवेगा कि पर्ल्स ग्रुप चिटफंड स्कैम की है। अते हर वार वांग जिवें जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दी जिम्मेवार चैनल होने के नाते कोशिश रही है कि तुहाडे तक हर पहलू हर जांच पूरे तफसील नाल पहुंचाउण दी, ता जो हर केस दी हिस्ट्री तो लेके मिस्ट्री तक पूरी जानकारी तुहाडे तक पहुंच सके। अते इसलिए एक्शन तो पहला तुहानूं लेके चलदे हां करीब दहाके पहला जदों चिट फंड स्कैम दा खुलासा होया। साल सी 2014 दा जदों दुनिया दा सब तो वड्डा चिट फंड घोटाला सामने आया। पर्ल्स ग्रुप वल्लों उस तो कई साल पहला स्कीम शुरू कीती गई जिस पंजाब तो निवेशकां नूं खिंचण दी शुरुआत हुई। पर्ल्स ग्रुप ने निवेश के बदले खेती की जमीन देने का वादा किया अते 5 साल बाद जमीन वापस खरीदन का भी भरोसा दिता। जमीन नहीं मिली तो लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने पर्ल्स ग्रुप ने स्कीम बंद करने लिए कहा। हालांकि उस तो बाद सब परतां खुलियां, सब तो वध घोटाले का शिकार मिडल क्लास यानी कि मध्य वर्ग हुई जिन्हां दे खून पसीने नाल कमाई जमा पूंजी नूं पर्ल्स ग्रुप ने मोटी रिटर्न के लालच निवेश किया। घोटाला सी करीब 50,000 करोड़ तो वध दा अते मुल्क भर च 5 तो 6 करोड़ लोग इस ठगी का शिकार हुए। पर्ल्स ग्रुप ने मुल्क भर विच करीब 5.5 करोड़ लोगों की जायदाद विच निवेश किया, इस तो करीब 50 तो 60 हज़ार करोड़ रुपए कमाए। कंपनी ने निवेशकों नूं जाली अलॉटमेंट पत्र दे के पैसा गबन किया। एक रिपोर्ट मुताबिक सिर्फ पंजाब च 10 सालों सब तो वध लोगों की लुट संगरूर, बरनाला, मलेरकोटला अते बठिंडा च की गई। कंपनी ने मालवे के इन्हों 4 जिलों विच मोटी रिटर्न का लालच दे के 5,000 करोड़ रुपए तो भी वध दी ठगी मारी अते केस दी जांच CBI ने भी की। हालांकि घोटाला सामने आया तो तुरंत कंपनी के मालक निर्मल सिंह नु गिरफ्तार कर लिया गया जो हाले भी जेल च है, पर लोगों के पैसे अजे तक वापस नहीं आए। खैर ये तो सी पर्ल्स ग्रुप घोटाले की हिस्ट्री फाइल्स, पर पीड़ित लोग लगातार इंसाफ की मांग करते रहे जिस नु लैके पंजाब दी कई सरकारां ने दावे ते वादे किते, पर मान सरकार ने होण चाहुंदे ही पर्ल्स ग्रुप घोटाले दे पीड़ितां नु इंसाफ दिवाउण लई जांच दा दायरा वधाया। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो दे डायरेक्टर राहुल एस दी अगुवाई च SIT दा गठन किया गया। इस टीम विच 6 अधिकारी शामिल किए गए। विजिलेंस ब्यूरो दे ज्वाइंट डायरेक्टर कमलदीप सिंह, AIG दलजीत सिंह राणा, विजिलेंस ब्यूरो दे हेडक्वार्टर दे DSP सलामुद्दीन, हेडक्वार्टर विखे रोपड़ रेंज दे DSP नवदीप सिंह, विजिलेंस ब्यूरो दे फिरोजपुर रेंज दे इंस्पेक्टर मोहित तमन्नत अते ECC विंग माधवी कल्याण नु शामिल किया गया। तो SIT ने अपने पद्धर ते जांच शुरू की, पर इस बार सरकार पूरे तरीके नाल एक्शन च सी। सरकार ने कंपनी दीआं सारीआं जमीनां ते नज़र रखनी शुरू कर दिती जिस बाबत खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस दी जानकारी दिती। CM भगवंत मान ने कहा कि सरकार ने पंजाब विच चिट फंड कंपनी पर्ल दीआं सारीआं जायदादां नूं अपने कब्जे च लैण दी प्रक्रिया शुरू कर दिती है। कानूनी कार्रवाई पूरी करके जल्दी नीलामी करके लोगों नूं उन्हां दे पैसे वापस करन दी प्रक्रिया शुरू करन दा फैसला कीता गया है। हालांकि इस तो बाद सरकार ने इस प्रक्रिया नूं भी अग्गे वधाया अते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब दे सारे जिलों के DCs अते SSPs नाल मीटिंग करके पर्ल्स ग्रुप दे पीड़ितों नूं इंसाफ दिवाउण लई पर्ल ग्रुप दीआं जायदादां दी पछाण, रैड एंट्री अते खरीद ते तुरंत रोक लगाउण लई कहा अते दलील ए दित्ती कि असीं लोकां दे खून पसीने दी कमाई दा इक इक पैसा दिवाउण दी कोशिशां कर रहे ने। जदों तो ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो एक वड्डे स्कैंडल सामने आ रहे हैं, तो सरकार वालों उन्हां स्कैंडल्स नूं फड़िया जा रहा है, नत्थ पाई जा रही हैगी है। तुहानूं दस दईए एक चिट फंड स्कैम होया सीगा बहुत वड्डा जिस दे विच पर्ल्स ग्रुप जिहड़ी कंपनी है उसका नाम सामने आया सीगा जिस दे विच ओह कंपनी दे नाल जुड़ियां प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां ने ओह हुण फ्रीज कीतियां जा रहियां ने। तुहानूं दस दईए कि सरकार वालों सारे ही पंजाब दे विच DCs नूं यह हदायतां कर दित्तियां गईयां ने कि जिथे भी पर्ल्स ग्रुप की कोई प्रॉपर्टी हैगी है उस नूं फ्रीज किया जाए। तो रैड एंट्री दे हुक्म होए तो मोहाली प्रशासन ने भी एक्शन शुरू किया अते मोहाली पहला जिला बनिया जिसने पर्ल्स ग्रुप नाल संबंधित 500 के करीब जायदादां दीआं माल रिकॉर्ड च रैड एंट्रियां कीतियां। रैड एंट्री तो बाद हुण कंपनी नाल संबंधित कोई भी जायदाद नहीं विक सकेगी अते DC आशिका जैन वल्लों मोहाली खरड़ अते डेरा बस्सी दे SDMs नूं शनाखत कीतियां जायदादां दी
खरीद बेच ते पाबंदी नु यकीनी बनाउन दी भी हदायत कीती गई। पल्स कंपनी दी जिहड़ी जमीन हैगे ने ओह पंजाब दे अलग अलग हिस्सों विच है। तकरीबन 10 तों 15 हज़ार एकड़ जमीन जिहड़ी हैगी है ओह सरकार नु पता चली है ते बहुत सारे जमीनां दे विच रैड एंट्रियां कीतियां जा रहियां रेवेन्यू रिकॉर्ड दे विच तां कि अग्गे नु ही बेचे ना सकन। मुख्यमंत्री वल्लों कहा गया सीगा कि जिन्नियां भी जमीनां हैगियां ने ओह रैड एंट्री कीती जाऊगी तां कि इहनां दी खरीद फरोख्त ना होवे। मोहाली जिला, बठिंडा जिला, लुधियाणा अते हुशियारपुर इन्हां विच सब तों ज्यादा जमीनां ने। साडे नाल अज मोहाली दे ADC विराज एस तिड़के जी हैं। तिड़के साहब, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਗਜੈਕਟ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਅਤੇ ਜੋ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਨਰੇਬਲ CM ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਕਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਲੋਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਸੀ ਅਗਰ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਪਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੋ ਕਭੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਥੀ ਕਿਸੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਨੇ ਉਸਕੋ ਬੇਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾ ਆਪਸੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਂ ਅਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਤੀ ਹੈ तो वी विल इंक्वायर एज पर रूल्स एंड लॉ। ठीक। ये थे ADC मोहाली, जिन्होंने बात की है कि जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी, भले ही वो किसी प्रकार की ज़मीन हो जहाँ पे लोगों का पैसा है लगा हुआ है, उस ज़मीन को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं। तो हमेशा वह ग्राउंड जीरो तक जाके हर पड़ताल तुहाडे तक पहुंचाने की साडी कोशिश रही है। इसलिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम ने वख वख जिले च जाके वो इन्वेस्टर्स का भी रुख किया जो ठगी का शिकार हुए। जितों तक कंपनी का सवाल है कि कंपनी बहुत चर्चित तो सी, पिंड पिंड चल रही थी, कोई घर नहीं इन्हें जो छड़िया नहीं। मैं 2008 च रिटायर होया, मेरे गुआढ़ी से उन्होंने मैं बहुत प्रस्यू करना, सैर करते भी करना, हार के बंदा मतलब वाश करता उन्होंने माइंड, तो मैं भी इधर आ गया। मेरा कोई 15-20 लाख रुपया नाल रिश्तेदारों लगा हुआ। दो फरवरी 2016 बंद हुई, उस दिन भी जिहड़े पैसे सी साडे दफ्तरां च ब्रांचां दे विच करोड़ां रुपया सी जिहड़े वह खा के बाहरों बाहर एजेंट सी, साडे एजेंट सी जां सीनियर जां जिहड़े ब्रांच मैनेजर सीगे। जिथों तक हुण पेमेंटां दा गल आ, पेमेंट जिहड़ी कि सिर्फ 17,000 तक चल रही आ। कि कंपनी कीड़ी सी? पर कंपनी PACL लिमिटेड, ये कंपनी सी सरदार ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਇਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੁਲਾਡੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਕਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਦਰ ਨਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਦੂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਨੀ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਕਿ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗਏ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਤ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਡ ਅੰਬਾਲਾ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 3.76 ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਛ
जिहड़े ग्रेनाइट वाले ने उन्होंने कब्जा कर रखे, कब्जा की कर रखे, कोई किराया दे रहा किसी नूं, ओह असीं पता कर लांगे। सानूं पता लगे कोई गुरमीत सिंह कोई किराया लै रहा इहनां दा, ओह वी असीं पता कर रहे कित्थों दा हैगा, इत्थों नेड़े तेड़े कोई भंखरपुर या मुबारकपुर दा बंदा है। उस तो बाद जो असी इधर हूँ तुहाडे सामने स्कोन प्राइमरा प्रोजेक्ट है, ये मालवा प्रोजेक्ट है, इन्हों की FIR भी दर्ज हो चुकी है जी। परल ग्रुप की जी जमीन सी निर्मल सिंह पंगू की जमीन परल ग्रुप वाली, उसनू इन्होंने एक्स पार्टी तकसीम करवा लिया 695/2 खसरा नंबर से, वो खसरा नंबर फ्रंट से है बिल्कुल रोड के उपर, तो जी इन्हों की जमीन से पिछे से, इन्होंने 4-5 बंद ने मिल के बिल्डर ने एक्स पार्टी तकसीम, वो जेल च बैठा है, एक्स पार्टी तकसीम करके वो जमीन पिछे करती तो आपकी जमीन अगे कर ली, जी भुगत करके मिली भुगत बिल्कुल जी। ये दो तहसीलदार से, पोलीटिकली सिस्टम से कांग्रेस का उस टाइम, उन्होंने सारे मिलकर चंडीगढ़ की एक कोठी बह के सारा कुछ होया। परल ग्रुप दर जगह ने जिन्हें उपर लाल लिखी कह सकते हैं बोर्ड लगाए गए हैं, लाल लिखी कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, यह प्रशासन की बेईमानी है, प्रशासन जानबूझ के बेईमानी कर रहा है, बिल्डर रल के रिश्वत का मामला सारा। वो जगह जड़ियाँ परल ग्रुप के नाल संबंध रखदियां ने उन्होंने लाल लखीर के अंदर लिया गया। साढ़े नाल सुखदेव चौधरी होर ने जिस तरीके जानकारी दी कि यह जगह परल ग्रुप के नाल संबंध रखती है, इस चीज़ में लाल लखीर के अंदर लिया गया, जिस कुछ जगह कह सकते हैं रजिस्ट्रियां जिहड़ियां इसदियां नहीं होणगियां, क्योंकि लाल लखीर जा कह सकते अंदर लिया नाल ना तो उस चीज़ में बेचा जा सकता ना उस चीज़ में खरीदा जा सकता। तो शिकायतकर्ता का तर्क है कि जो बिल्डिंग बनी है और रेड एंट्री की जमीन पर बनी है, पर असी हर पक्ष जानने की कोशिश की, कंपनी के मालिक राहुल जैन नाल भी फोन जरिए गलबात हुई, जिन्हों का तर्क रहा कि साडा पर्ल्स कंपनी नाल कोई लेना देना नहीं है, साडा प्रोजेक्ट पूरा तरीके नाल पाक साफ है, इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद ने। इस तो बाद साडी टीम ने पर्ल्स कंपनी का भी ग्राउंड जीरो ते जाके जायजा लिया। आज दी ग्राउंड रिपोर्ट में थानू असी ग्राउंड जीरो तो लेके आए हैं, दिखा रहे हैं कि पर्ल्स कंपनी जी है 104 सैक्टर है मोहाली का, तो देखोगे इतने बड़ा गेट बनाया, सब तो पहला यही प्रोजेक्ट जरा लॉन्च किया गया पंजाब दे विच, बड़ा सारा गेट बनाया गया इतने, तो यह जो खरड़ तो जी अंबाला रोड जाती है खरड़ अंबाला तेपला रोड उसके उपर बनाया सगा, तो दूर तो दिखाई देता सी कल्ली बिल्डिंग दिखाई देती सी, एक पूरा ग्लोब बनाया गया थले मोती बनाया गया तो उपर एक गेट बनाया गया है, तो 104 सैक्टर की जमीन हैगी है। तो जो ऐसे जे बहुत सारे प्रोजेक्ट ने पंजाब दे विच, जिहड़ा पंजाब दा जिहड़ा मेनली जिहड़ा जिला है होशियारपुर है, लुधियाना हैगा, मोहाली हैगा, अते जिहड़ा बठिंडा जिला हैगा, उस सब तो ज़्यादा इन्हां दीआं प्रॉपर्टियां हैगियां ने, ते जिहड़ियां प्रॉपर्टियां हैगियां ने इंसाफ मोर्चा जिहड़ा पंजाब हैगा जिहदे प्रधान महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ जी ने, वो इस दे पिछे लगे हुए हैं, तो होर जिहड़े इन्वेस्टर जिन्होंने कई संस्थावां जिहड़ियां बनाईआं होईआं ने वो भी इस काम च लगे ने कि जमीन का पता लगाया जा सके, तो यह जमीन वो हैगी है जिहड़ी कि अज दे टाइम दे विच इह उजाड़ हो गई है, पर इत्थे बहुत सारे लोग रहिंदे ने, लोगों का भी यह कहना हैगा कि अस्ता जमीना जिहड़ियां हैगियां ने जिहड़ी प्रॉपर्टी हैगी इत्थे मकान पाए ने, और जो जमीन है असं रजिस्ट्री कराई हुई है, तो यह गमाडा का प्रोजेक्ट है, बेसिकली गमाडा का प्रोजेक्ट है, इसलिए गमाडा सीधी तरह इनवॉल्व है, ये लोग भी जाके लोडक मिशन गए थे पार्टी बन गए, तो यह गल कही कि इहदा जिहड़ा रख रखाव है वह गमाडा करने लिए कहा जा सके कहा जाए ना कि इसनों बेचा जाए, क्योंकि लोग रह रहे हैं उन्होंने मूलभूत सुविधावान नहीं मिल रही है, इस प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ा विवाद इस टाइम चल रहा है, पर लोडक मिशन जिहड़ा है उन्हें गमाडा के अधिकारियों को पूछ के कहा है कि इसका किदा हल हो सकता है, तो इस सब तो बड़ी गल एको आ रही थी कि जो जमीन अंदर पी जो खाली पे ने प्लॉट उन्होंने बेचा जाए, बेच के इस जो सैक्टर 104 है और इन्हों एक होर सैक्टर 100 सैक्टर है, तो उन्होंने सारे जरा तैयार करके लोगों वास्ते मूलभूत जो सुविधावान उदती जा। पर दूजे पास गल है कि पूरे हिंदुस्तान के पर्ल्स कंपनी के प्रोजेक्ट चलते थे उन्होंने लेके भी जी अलग अलग राज्यों के जगह एसोसिएशन बनी है वो भी लोडा कमिशन को जा रही हूँ, लोडा कमिशन को जी जमीन जा रही ने उन्होंने जाने तो बाद उन्होंने बेचा जाएगा, तो बेच के जो लोगों के पैसे है वह वापस करने वास्ते सैबे किया जाना है। अज की ग्राउंड रिपोर्ट में थोड़ा दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह नाल जो पर्ल्स कंपनी सी उन्होंने लोगों नाल लखा ते करोड़ों रुपए का जो लखों लोगों करोड़ों रुपए का जोड़ा चिट फंड घोटाला किया, तो पहला जिहड़ियां सरकारां सीयां उन्होंने कोई पुछदा नहीं सीगा, कोई कार्रवाई नहीं करता सीगा, 2014 में लोडा कमिशन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट वालों, CBI ने जांच की, CBI ने जांच करके सुप्रीम कोर्ट च केस पाया, केस के बाद जिहड़ा लोडा कमिशन जस्टिस HS लोडा जी रिटायर्ड जस्टिस ने उन्होंने अगुवाई बनाया गया, उन्होंने नाल सैबी लगाया गया ताकि लोगों के पैसे वापस किए जाए, पर हुण सरकार आई है आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सरकार है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्होंने स्पष्ट गल की है कि जिन्नियां जमीनां ने जिहड़े जिहड़े पंजाब के जिले में है वो DC सारे ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਰਡ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ।
ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।